ने ये सच ही कहा है किचन आपके घर का दिल है ऐसा क्यों ये मैं आपको बताती हूं किचन ही एक ऐसी जगह होती है जो जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और जितनी ज्यादा साफ रहेगी उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे पूरा घर स्वस्थ रहेगा तो आज हम भी किचन के ही कुछ बारे में बात करेंगे मैं वंदना आज शेयर करूंगी किचन के कुछ ऐसे हैक्स जिनको फॉलो करके आप अपने किचन को और ऑर्गेनाइज और, और भी सॉर्टेड बना सकते हैं आपका किचन हेल्दी तो पूरा परिवार हेल्दी तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए मेरे साथ और पता करिए क्या है ये क्विक से हैक्स जिससे आपका किचन बहुत ही साफ और बहुत ही ऑर्गेनाइज हो सकता है किचन हैक नंबर वन बेकिंग सोडा जी हां दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बड़ी ही कमाल की चीज होती है ये आपके किचन के किसी भी तरह के स्टेन्स को साफ करने के बहुत काम आती है आपकी जो कॉफी मग्स होते हैं इसमें तरह तरह के दाग कभी कभी अंदर जम जाते हैं तो आपको क्या करना है इस बेकिंग सोडा को कॉफी मग के अंदर डालना है थोड़ा सा पानी डालकर जहां जहां सोना है वहां थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर, कर आप छोड़ दीजिए पांच से दस मिनट और थोड़े समय के बाद आप देखेंगे ये स्टेन छूम अंतर हो जाते हैं ये सिर्फ कॉफी मार्क्स के साथ ही नहीं ये आपके फ्लोरिंग में भी काम आ सकता है आपके जब जो किचन का फ्लोर होता है अगर उसमें किसी भी तरह के स्टेन हैं कैसे भी दाग पड़ गए हैं जो कि नहीं जा रहे हैं जिद्दी दाग हैं तो आप वहां पर इसका यूज कर सकते हैं सोडियम बायकार्बोनेट यानी कि ये जो बेकिंग सोडा है ये आपके फ्रिज को भी चमका देता है दोस्तों जी हाँ सरप्राइजिंगली ये फ्रिज को भी चमका देता है अगर आपका फ्रिज में भी ऐसे कुछ दाग लग गए हैं कभी कभी बहुत सारे दाग लग जाते हैं जो कि नहीं जाते सफाई करने से भी रगड़ने से भी नहीं जाते तो आपको रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है आप बस बेकिंग सोडा का यूज करिए और फिर देखिए आपका फ्रिज किस तरह चमचमाता है आजकल तो हम बेकिंग सोडा को सैनिटाइज़ करने के लिए भी काफी यूज कर रहे हैं ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि कोविड टाइम्स में जब सैनिटाइजेशन का हमें एक्चुअल मतलब पता चला है तो जब भी हम सब्जियां लेके आते हैं पानी गर्म पानी आप ठंडा पानी लें या गर्म पानी लें उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा डाल दें तो सैनिटाइज भी हो जाती है सब्जियां आपकी नंबर नींबू जो है वो आजकल हम जब मार्केट से लाते हैं आजकल हम नींबू बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम सभी खा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए तो इनको प्रिजर्व कैसे किया जाए इनको जब हम बाहर छोड़ें या हम फ्रिज में छोड़ें यह बहुत जल्दी सूखने लगते हैं इनको प्रिजर्व करने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताऊंगी नींबू को टिश्यू पेपर में स्टोर किया जा सकता है जी हाँ दोस्तों कुछ इस तरह नींबू को अगर आप टिश्यू पेपर में रैप कर कर फ्रिज के अंदर डाल दें या आपको जहां भी स्टोर करना है आप उधर रख दें तो लींबू आपके जो है वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा लंबे चलेंगे इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जो टिश्यू पेपर होता है वो एक्सेस मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस वजह से आपके जो नींबू है वो लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं नंबर थ्री जी हां दोस्तों ये भी नींबू से ही रिलेटेड है जब हम नींबू को यूज के लिए निकालते हैं तो नॉर्मली हम नींबू को बीज से काटते हैं और जितना पार्ट यूज होता है उतना तो हम कर लेते हैं लेकिन जो बाकी पार्ट होता है जिसको हम रख देते हैं वो सूख जाता है इससे हम कैसे बजा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं बीज से कट करते हैं तो दोस्तों बीज से ना काटकर हमें नींबू को किसी भी एक एंड से काटना है वो भी एक छोटा सा कट करना है छोटा कट करने से यह होता है दोस्तों कि आपका जो नींबू है वो कम ऑक्सीडाइज होता है जिससे ये सूखता नहीं है ये लंबे समय तक चलता है तो आप क्या कर सकते हैं छोटा सा कट ऊपर से कर दीजिए उसमें से भी आप रस निकाल सकते हैं आपको जितना चाहिए उतना रस निकाल सकते हैं और उसके बाद आप नींबू को वैसे के वैसे ही रख दीजिए इससे आपका नींबू कम ऑक्सीडाइज होगा और लंबे समय तक चलेगा नंबर फोर जी हाँ दोस्तों ये है कुछ मसालों को प्रिजर्व कैसे किया जाए मसाले जो होते हैं हम लोग काफी सारे लोग ऐसे साल साल भर का मसाला जो है वो प्रिजर्व करते हैं हल्दी हो गई आपका लाल मिर्च हो गई या फिर आपका गरम मसाला हो गया बट होता यह है कि जब इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर अगर चला जाए तो फिर इसमें घुन लग जाते हैं या थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कीड़े लग जाते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं या इन्हें हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इनको प्रिजर्व ऐसे किया जाता है कि आप इनके लिए यूज कर सकते हैं खड़ा नमक जी हां खड़ा नमक सबके घरों में मिल जाता है बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है दोस्तों खड़ा नमक जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ये जो आपका मॉइस्चर होता है इसको नहीं आने देता पास और जब मॉइस्चर कम आएगा मॉइस्चर नहीं आएगा जितनी भी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, वो कम होंगी तो ऑटोमेटिकली जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है मसालों में वो कम होगी तो कीड़े नहीं लगेंगे और कुछ इस तरह आप अपने मसालों को खड़ा नमक के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं किचन हैक नंबर फाइव है पपीता घर में अगर कच्चा आ गया है तो उसे पकाया कैसा जाए जी हाँ दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से हमारे पास हरा पपीता आ जाता है कच्चा पपीता आ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार अब इसको पकने में तो बहुत टाइम लगेगा इसको पकाया कैसे जाए तो इसको आप घर बैठे आराम से पका सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ न्यूज़ जो कि सभी के घरों में आता है दोस्तों सबसे पहले आप पपीते को ले लीजिए उसको न्यूज़पेपर में रैप कर दीजिए अच्छे से और फिर आप जहां भी रखना चाहें उसको रख दीजिए आप उसे एक कोने में रख दीजिए आप देखेंगे कि एक दो दिन में आपका पपीता अच्छा अच्छी तरह से पक जाएगा खाने लायक हो जाएगा अब दोस्तों होता ये है कि जो न्यूज पेपर होता है वो आ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं पेपर में जो कि आपके पपीते को आ, जल्दी आ, पकने में हेल्प करती है वो नंबर सिक्स दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आई एम श्योर आप लोग इसके लिए मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे क्योंकि अग, हरी सब्जियां जो होती हैं इन्हें साफ कैसे किया जाए जी हाँ दोस्तों ये बड़ा ही टेंशन वाला काम होता है जब हरी सब्जियां घर में आती हैं ऑल दो हरी सब्जियां जो है दे आर द मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड दे कंटेन लॉड ऑफ आयन बट सबसे बड़ा टेंशन होता है कि यार साफ कैसे किया जाए दैट्स अ वेरी टीडियस जॉब तो इसके लिए बड़ा ही इजी सा एक ट्रिक होता है दोस्तों जो आपको शायद नहीं पता होगा और इससे बहुत फटाफट आपकी हरी सब्जी साफ हो जाती है स्टेनर सबके घर में होता ही है तो आप जो है वो स्टेनर लीजिए और जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेथी और धनिया किस तरह से साफ हो सकती है वो भी चुटकियों में दिस प्रोसेस बिकम्स क्वाइट फास्ट तो स्टेनर में इस तरह से अगर आप एक, -एक करके डंडी डालिए और फिर जब आप इसको पुल करते हैं तो ये देखिए आपकी पत्तियां एकदम मस्त हो जाती हैं और आपका कचरा अलग और आपकी पत्तियां अलग इसी तरह से आप मेथी को भी साफ कर सकते हैं दोस्तों एंड नॉट ओनली मेथी इससे आप पुदीना भी साफ कर सकते हैं तो ये जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है इसलिए ये हमारे किचन में बहुत काम आता है सब्जियां तो नॉर्मली जब आती हैं तो प्रेफरेबली uh, तो यही कहा जाता है कि आप उन्हें तुरंत ही बना लीजिए उसी दिन बना लीजिए बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू कीप दम नॉर्मली हरी सब्जियां नहीं बट धनिया जो होती है धनिया पुदीना ये हम लाते हैं तो हमें थोड़े दिन इसको चलाना होता है तो इसको बड़ा टेंशन होता है कि भाई इसको हम प्रिजर्व कैसे करें ये गले ना ये सूखे ना इसका हम कैसे ध्यान रखें तो दोस्तों इसका भी एक बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है आपको जिस भी डब्बे में आपकी धनिया या वट प्रिजर्व करना है उसे इस तरह डाल दीजिए उसके ऊपर आप टिश्यू पेपर अच्छे से डाल दीजिए इस टिश्यू पेपर को हर कॉर्नर से अच्छे से दबा दीजिए और बंद करके आपका डब्बा उसके बाद आप रख दीजिए आपको जहां भी रखना है यू कैन कीप इट इन योर फ्रिज टिश्यू पेपर जो होता है ये बड़ा ही कमाल का, का काम करता है और आपकी धनिया आपका पुदीना आपकी हरी सब्जियां ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं हफ्ता दस दिन आराम से निकल जाता है रीजन ये होता है दोस्तों कि जो टिश्यू पेपर होता है वो एक्सेस मॉइस्चर जो होता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है तो इससे आपकी जो धनिया या आपकी जो भी हरी सब्जी है वो गलती नहीं है जल्दी हमारा अगला जो टिप है वो भी आपके बड़े काम की चीज है क्या होता है दोस्तों कि कुकर में हम जब भी दाल चढ़ाएं या कुछ भी चढ़ाएं, चावल चढाएं कभी कभी और अक्सर ऐसा होता है कि आ, सीटी या वाली जगह से सारी दाल बाहर आ जाती है आपका पूरा कुकर का पूरा लिड खराब हो जाता है अक्सर ऐसा होता है इसको अवॉइड करने के लिए ही मेरा अगला टिप है तो दोस्तों जब भी आप आ, कुकर में कुछ भी चढ़ाने जाए तो चढ़ाने से पहले जो कवर होता है उसका जो लिड होता है कुकर का उसमें आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लें ऑयल आप दोनों साइड अप्लाई कर लें जहां पे रबर लिड होती है वहां भी अप्लाई कर लें जहां से सीटी निकलती है वहां भी अप्लाई कर लें कुछ इस तरह और उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल में लें। तो इससे क्या होता है इससे आपका कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होता आपका किचन का फ्लोर गंदा नहीं होता आपकी गैस खराब नहीं होती अगला हैक जो है ये भी फ्रूट से रिलेटेड है बनाना से रिलेटेड है दोस्तों अच्छा क्या होता है कि जब हम बनाना लेके आते हैं तो जो नॉर्मली उसका जो मेन स्टेम रहता है वो उसके साथ ही हम रख देते हैं उसको जो ऊपर का उसका डंडी होता है हम उसी के साथ रख देते हैं तो ये बड़ी मिस्टेक है इफ यू वांट योर बनानाज नॉट टू राइप सो फास्ट और आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले uh, एक दो दिन में ही खराब ना हो तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि वो जो मेन डंडी होती है उससे आपके जो बनाना है उनको अलग कर दीजिए कुछ इस तरह इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो एथिलीन गैस जो कि मैंने आपको बताया एथिलीन गैस होती है जब कोई भी फ्रूट पकने लगता है तो एथिलीन गैस प्रोड्यूस होती है तो ये जो एथिलीन गैस होती है ये सबसे ज्यादा उन डंडियों से ही प्रोड्यूस होती है इससे आपके जो बनाना होते हैं ये बहुत जल्दी पकने लगते हैं अगर आप वो डंडी निकाल देंगे तो आपके बनाना जो है लंबे समय तक चलेंगे अच्छा वन मोर थिंग फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं जब आपने बनाना अलग अलग कर लिए तो इनके जो टिप हैं इनमें अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर छोड़ दें तो आपके बनाना लंबे समय तक और भी लंबे समय तक चल सकते हैं आप इनको थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं अगला हैक है चीज से रिलेटेड चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है जो हमको भी बड़ी पसंद होती है और हम इसे काफी जगह यूज करते हैं काफी सारी चीजों में डालते हैं बट दिक्कत यह होती है कि जब हम चीज को ग्रेट करने जाते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है हमारा ग्रेटर खराब हो जाता है हमारी चीज भी बड़ी स्टिकी स्टिकी सी निकलती है हाउ डू वी हाउ डू वी प्रिवेंट दैट दोस्तों इसका बड़ा ही आसान सा एक टिप है चीज ग्रेट करते टाइम आप जो आपका ग्रेटर है उसमें ऑयल अच्छे से लगा लीजिए कुछ इस तरह अच्छे से आप ऑयल लगा लेंगे तो आप चीज जब आप ग्रेट करेंगे तो आपका ग्रेटर भी साफ रहेगा और आपकी चीज भी एकदम मस्त तरह से ग्रेट होगी उट द बैड ओडर दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉटल इन द किचन जी हाँ दोस्तों हमारी जो थर्मस होते हैं हमारी जो वॉटर बॉटल्स होती है वो कभी कभी इतना साफ करने के बाद हम उनको गर्म पानी से धोते हैं हर तरह का जतन करते हैं लेकिन फिर भी उससे बड़ी ही गंदी सी स्मेल आने लगती है तो इस गंदी स्मेल से हम कैसे निजात पा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ आप जो है न्यूज पेपर जो है उसको रखिए हल्का सा उसे वेट करिए हल्का सा ज्यादा नहीं हल्का सा गीला करिए और इस गीले न्यूज़पेपर को आप अपनी थर्मस में कुछ इस तरह डाल के रख दीजिए इसको आप एक दिन के लिए आराम से रख दीजिए और आप देखेंगे आपकी बोतल का जितनी भी गंदी स्मेल होगी वो ये सारा न्यूज़पेपर पेपर कर लेता है तो आ, ये एक्चुअली दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है वो आपकी जितनी भी गंदी बैड ऑर्डर होती है वेट न्यूज पेपर हैज अ तो क्वालिटी टू एब्जॉर्ब ऑल दिस काइंड ऑफ ऑर्डर इससे आपकी बॉटल जो है वो ऑर्डर फ्री हो जाती है अच्छा ये जो हैक है ये आप फ्रिज के लिए भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स फ्रिज में भी अगर आपकी किसी तरह की गंदी स्मेल आ रही है तो अपना जो न्यूज पेपर है उसको थोड़ा सा गीला करिए और जगह जगह पर उसके क्रम्पल कर कर उसके बॉल्स बनाकर आप रख दीजिए डे एंड देन यू सी कि आपका जो ऑर्डर है वो हर तरह का ऑर्डर चला जाता है टिप जो है वो है जब हम कोई चीज उबालते हैं नॉर्मली दूध उबलने लगते हैं दूध तो खैर उबलते ही हम बंद कर देते हैं लेकिन जब हम खीर बनाते हैं जब हम चावल कई लोग भगोने में बनाते हैं या पैन में बनाते हैं या बाकी सारी चीजें अगर आप पैंस में बना रहे हैं घर में कोई कोई घी बनाता है तो ये जो है ये ऊपर उबलता उबलने लगता है और हम लिड प्लेस नहीं करना चाहते या हम नहीं कर सकते उस जगह पे हम क्या करेंगे हम नॉर्मली ये होता है कि हमारा पूरा जो फ्लोर होता है वो खराब हो जाता है क्योंकि ये सब बाहर आ जाता है उबलकर इसको प्रिवेंट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है वुडन की कल्छी आपके घर में लकड़ी की कलछी हर किसी के घर में होती है तो कुछ इस तरह आप सिर्फ अपनी इस लकड़ी की कलछी को प्लेस कर दीजिए ये जो है ये आपकी चीजों को उबलने नहीं देगी उबाल आएगी लेकिन आप नीचे कुछ नहीं गिरेगा तो आपका किचन एकदम साफ सुथरा रहेगा नंबर थर्टीन जी हाँ हमारा मिक्सर जो होता है कभी कभी उसमें कुछ ऐसे स्टेन्स हो जाते हैं ऐसी दाग लग जाते हैं जो साफ नहीं होते और दूसरी बात कभी कभी ये भी होता है कि हमारी ब्लेड्स ये तो कभी कभी नहीं अक्सर होता है मिक्सर की जो ब्लेड्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं उतनी इफेक्टिव नहीं होती तो ये दोनों का एक ही उपाय है और एक ही टिप है दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हैं इसमें नमक जो आप यूज़ करते हैं कुछ इस तरह आप नमक को डाल दीजिए सरफेस पे मिक्सर के डालकर थोड़ी देर तक बीट वन मिनट तक ले लीजिए आप घुमा लीजिए अपने मिक्सर को अच्छे से उसके बाद जब आप मिक्सर निकालेंगे तो आप रिलाइज करेंगे व्हेन यू यूज इट फॉर द नेक्स्ट टाइम आपकी जो ब्लेड्स हैं वो बड़ी शार्प हो जाती हैं सिर्फ इस नमक से और दूसरा ये कि जो स्टेन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं अब स्टेन्स क्यों निकल जाते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया लेकिन जो नमक होता है इसमें बड़ी ही एक यूनिक सी एक क्वालिटी ये होती है कि इसकी शार्पनिंग क्वालिटी भी होती है इसमें शार्पनिंग क्वालिटी होती है दोस्तों और इसी वजह से जो है ये नमक जो है ये काटता है आपके ब्लेड्स को और, और भी शार्प करता है सो दिस वॉज माई दिस टिप छुरिया तेज करा लो जी हाँ दोस्तों मेरा जो अगला टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है आपके घर के चक्कू छुरियों को तेज कैसे किया जाए वो भी घर पर ये मैं आपको बताऊंगी तो दोस्तों कॉफी मार्क्स या आपके चाय के मार्क्स तो सभी के घर में होते हैं तो जो अनले सरामिक होता है दिस इज हार्डर एन द मेटल एंड इट इज यूज एज अ शार्पनिंग टूल जी हाँ आप जो आपके मग्ज होते हैं इनको आप इनसे ही बड़ी आसानी से अपने चाकू को और अपनी सिजर्स को इनको तेज कर सकते हैं धार इनकी तेज कर सकते हैं कैसे बड़ा ही सिंपल है इनको उल्टा कर लीजिए और कुछ इस तरह आप अपने चाकू को इस पर रब करिए डू इट फॉर थोड़ी देर तक लाइक फॉर फो गुड फोर फाइव मिनट्स और उसके बाद जो है आप देखेंगे आपके जो शार्पनेस है चाकू की या आपकी कैंची की वो काफी बढ़ जाएगी दस गुना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों वेरी सिंपल हैक एंड यू कैन यूज इट एट होम अब बारी है आखिरी टिप की जो कि है बड़ी ही यूजफुल और बड़ी ही नॉलेजेबल और आप इससे अपने प्योरिटी जो आप चीजें यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं मैं आपको बताती हूं मैंने टेस्ट किया नमक का तो दोस्तों नमक मैंने दो ग्लास पानी अलग अलग तरह के लिए और उसमें मैंने दो अलग अलग तरह के नमक डाले कुछ इस तरह नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक स्टर करिए और स्टर करने के बाद इसको पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए पांच मिनट के बाद आप देखेंगे अगर आपका ट्रांसपेरेंट होता है पानी इसका मतलब वो नमक ज्यादा प्योर है और साफ है उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और जो पानी आपका उपेक्षा होता है थोड़ा वाइटिश होता है दैट इज नॉट गुड वो प्योर नहीं कहलाता फ्रेंड्स उसमें चौक मिलाया जाता है सो द प्योरिटी ऑफ योर सॉल्ट कैन बी चेक लाइक दिस दूसरी एक और चीज है जिसकी प्योरिटी आप चेक कर सकते हैं वो होता है शहद जी हाँ दोस्तों जो शहद होता है इसको आप अगर फ्रीजर में रखें एक दिन के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए आपके पास जो भी शहद है अगर आपका शहद जम जाता है आप जब फ्रीजर से निकालते हैं अगर वो जम जाता है तो वो प्योर नहीं है कुछ इस तरह जब अब मैंने फ्रिज से मेरा वाला हनी निकाला तो मैंने देखा कि वो नहीं जमा था दोस्तों जो हनी होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्रिस्टलाइज नहीं होती ये जल्दी क्रिस्टलाइज नहीं होती हैं तो दैट हनी विच डज नॉट फ्रीज इन योर फ्रीजर टू इज कंसिडर्ड प्योर जितना वो नहीं जमेगा उतना ही आपका शहद प्योर होगा फ्रेंड्स द फ्रीजर टेम्परेचर बेसिकली प्रिवेंट्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी फ्रेंड्स so ये थे किचन के 15 ऐसे हैक्स जो आपकी लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं और इससे आपका किचन बड़ा ही साफ और बड़ा ही स्वस्थ रह सकता है योर फैमिली कैन स्टे हेल्दी सो प्लीज बताइएगा आपको ये हैक्स कैसे लगे एंड डू फॉलो देम इन योर लाइफ और uh, हमें ये भी बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपना ख्याल रखिए जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक बाय बाय फ्रेंड्स